नमस्कार, मैं विनोद कुमार झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग सेवेंथ के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ चार, जिसका नाम है आशा की किरण, ज्ञानवर्धक कहानी है। इसे हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भाग एक में इसका सारांश दे चुके हैं। आज इस कहानी का बिंदुवार पढ़ाई करेंगे, तो ध्यान देंगे। चलते हैं कहानी की ओर। माजिद अपने दोस्त रमेश के साथ सड़क के किनारे फुटपाथ पर अखबार बेचता है। आज अखबार बेचकर जब माजिद लौटा तो घर पर अपनी अम्मी को न पाकर उसे कुछ संतोष ही हुआ। ताला खोला, अंदर आकर तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया, बत्ती जलाई, पतलून के जेब से फूला हुआ बटुआ निकाला। उसके हाथ पैर इतने कांप रहे थे कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बटुए में एक बार झांकते ही बड़बड़ाया, बाप रे, इतने बड़े बड़े नोट। कहानी में हैदर जी ने माजिद और रमेश नाम का दो लड़का को पात्र बना करके बताया है कि सही आदमी से गलत काम करते हुए नहीं बनता, वह हमेशा उसकी अंतरात्मा उस काम को करने से रोकता है। माजिद और रमेश जो चौराहे पर गाड़ी वालों के हाथों दौड़ दौड़ के पेपर बेचते थे, एक दिन जब पेपर बेच करके वह अपने घर लौटा तो घर पर अम्मी को नहीं देख करके उसे संतोष हुआ। घर को खोला, अंदर गया, दरवाज़ा बंद की, बत्ती जलाई और पतलून के जेब से एक पर्स निकाला और उसके हाथ उस पर्स को पकड़ने के काबिल नहीं थे, कांप रहे थे। उसने पर्स को खोला और उसमें नोट को देख करके वह मन ही मन बुदबुदाया, बाप रे, इतने बड़े बड़े नोट। दरवाजे पर खटखटाहट हुई, वह जल्दी से उठा, दरी के नीचे बटुआ छिपाया और अम्मी के लिए दरवाज़ा खोल दिया। आज वह गिल्ली डंडा भी खेलने नहीं गया और न ही रमेश के यहाँ पढ़ने, बस इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। मांझी दिया काम कर ही रहा था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद उसकी अम्मी आ गई और वह जाकर के फटाक से अपने उस बटुए को दरी के नीचे छिपा दिया और अम्मी के लिए गेट खोल दिया। आज वह उहापोह के स्थिति में उस बटुए को संभालने में कहीं नहीं गया, न पढ़ने गया, न खेलने गया, इधर उधर उसका मन भटक रहा था। रात में माजिद मुश्किल से 2 घंटे ही सो पाया। एक बार अम्मी ने पूछा भी, क्या बात है माजिद, आज तू सो क्यों नहीं रहा है, जारा लग रहा है क्या? बटुए को संभालने में उसे बेचैनी हो रही थी, रात में वह ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। अम्मी उसकी बेचैनी को देख करके उससे पूछती है, आज तुम सोता क्यों नहीं है, ठंडी लगती है क्या? उसने कहा, नहीं अम्मी, आप सो जाइए। रात भर माजिद के दिल और दिमाग में एक ही लड़ाई चलती रही, सोच रहा था अम्मी बीमार है, महीनों से दुकान बंद पड़ी है, किराए के 100 रुपये भी बेकार जा रहे हैं, इन पैसों से कितने कष्ट दूर हो सकते हैं। दूसरी ओर दिल कहता था, माजिद, यह पैसा तुम्हारा नहीं है, इसे खर्च करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। माजिद के दिलो दिमाग में एक बात हमेशा चलता रहा कि पाए हुए बटुओं के पैसों से हमारी मुश्किलें दूर हो सकती है, हम इससे अपने अम्मी का इलाज कर सकते हैं, हमारी बंद पड़ी दुकान इससे चालू हो सकती है, जिसके किराए भी बेकार में ही देना पड़ रहा था। यह विचार माजिद के मन में बार बार उठता था। दूसरी ओर हर मनुष्य के अंदर में 2 तरह के तत्व होते हैं, एक नेकी के, एक बदी के। अंतरात्मा जो नेकी वाला है वह माजिद को बार बार रोक रहा था, माजिद तुम क्या सोच रहे हो, यह पैसा तुम्हारा नहीं है, तुमने यह पैसा पाया है किसी दूसरे का है, दूसरों का पैसा का उपयोग करना अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है, उसने सोचा, अम्मी कितनी कमज़ोर हो गई है फिर भी काम करने जाती है, पैसे है तो कठिनाइयों का हल क्यों नहीं किया जाए।
लेकिन माजिद का दूसरा पक्ष उसे उकसाता है कि क्यों नहीं तुम्हारे हाथ पैसे आज लगे हैं, इस पैसों से अपनी मुश्किलों को दूर कर लो। लेकिन अंतरात्मा फिर कहती है, नहीं माजिद। दिल ने फिर याद दिलाया, दूसरे के पैसे से अपनी कठिनाइयों का समाधान, तुमने तो अपने पैगंबर और अपने महापुरुषों की कहानियां सुनी है, वे सब तो परिश्रम की बात कहते हैं। माजिद को उसकी अंतरात्मा इस काम के लिए रोकता है, कहता है, नहीं, तुमने अपने अल्लाह ताला की कहानी और महापुरुषों की जीवनी को पढ़ा होगा, जिसमें दिया हुआ है कि परिश्रम से ही अर्जित संपत्तियों से आदमी फलता फूलता है, पर मैंने तो चोरी नहीं की। उसने अपने को समझाने की कोशिश की, मन से आवाज़ आई, कुछ भी हो तुम जानते हो कि यह किसका पैसा है। माजिद ने अपनी अंतरात्मा को समझाने की बार बार कोशिश करता, मैं किसी का पर्स नहीं मारा, मैं किसी का पॉकेट नहीं मारा, मुझे गिरा हुआ मिला। लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे समझाता है कि गिरा हुआ तो मिला, लेकिन वह पैसा किसका है यह भी तुम जानता है। अगली सुबह में काम पर जाने के बाद माजिद ने उस बटुए को दरी के ऊपर से ही छू कर देखा। एक बार रुपये गिरने का मन किया, परंतु तेजी से बाहर निकल गया। बार बार वह बटुए पर आकर्षित होता था और दिनों की तरह आज वह चौराहे पर पहुंचा, जहां वह और रमेश अखबार बेचते। उसे देखते ही रमेश पूछा, रे ओ मजदे, तुझे क्या हुआ? अम्मी से पिटकर आया है क्या? बिछिपता अवस्था में माजिद को देख करके रमेश ने कहा, क्या आज तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, क्या अम्मी ने मारी है? नहीं माजिद, नहीं। माजिद ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। फिर अखबार वाला आया, उस दोनों को अखबार गिन कर दिए। फिर दोनों चौराहे पर हरिलाल बत्तियों के आसपास कारों, बसों, स्कूटरों, चारों और अखबारों का हाँक लगाने लगा। एकाएक रमेश ने देखा, हरी बत्ती का ध्यान किए बिना माजिद एक नीली कार के पीछे दौड़ा जा रहा है। जोर जोर से बोल रहा था, यदि वह तुरंत ही माजिद का हाथ पकड़कर पटरी से खींच न लेता तो माजिद जरूर उस पिछली वाली कार के नीचे आ जाता। पागल हो गया है क्या? रमेश ने चिल्लाया। अखबार बेचते हुए रमेश ने देखा, माजिद एक नीली कार वाले के पीछे दौड़ा, जोर जोर से बोल रहा था, लेकिन रमेश ने उसका हाथ पकड़ कर अगर नहीं खींच लिया होता तो माजिद का एक्सीडेंट हो जाता। माजिद को डांटा, बोला, पागल हो गया है क्या? DLC 1545, हाँ वही थी 1545। माजिद बुदबुदाया। माजिद ने गाड़ी का नंबर बोला, DLC 1545, वही थी 1545। माजिद के मुंह से यह शब्द निकला। आज भाग दो के माध्यम से इस पाठ को हम यही तक पढ़ेंगे, अगले अंश को भाग तीन में पढ़ेंगे और आप लोग इसके विषय वस्तु को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।